तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के ता शेड़े जन का, हृदय के ता शेड़े जन का, तेरी आराधना है मधुगी, तेरी आराधना है मधुगी, जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको अपनी आशीष प्रदान करे, रूह का दुगना मसा आपके जीवन में, आपके घर में उतरे, आपका घर उसके पवित्र सामर्थ्य से भर जाए, आप लोगों पर प्रभु अधिकार ले, पवित्र आत्मा आप लोगों को संचालित करे। जो बीमार हैं इस वक्त हम समर्पित करते हैं, जो दुखी हैं हम समर्पित करते हैं, जो निराश हैं प्रभु को हम समर्पित करते हैं, जो अपने जीवन में कष्ट सह रहे हैं प्रभु उन्हें आराम दिलाए, दुख सहने की कृपा दे, जो अत्याचार करते हैं प्रभु उन्हें क्षमा करें। आज की इस करुणामाला विनती के दौरान हम विशेष रूप से प्रभु की दया की याचना करें, वो हमारे पापों और गुनाहों को माफ़ करे, तमाम रोगियों को चंगा करे, जो लाचार हैं लकवे से पीड़ित हैं प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करें। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा तारा, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा कारा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद कारा, हर पल सुनाते हैं आनंद कारा, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं,
तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु का वचन गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, मैं उसे पहेली नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं। वो प्रभु का स्वरूप देखता है। प्रभु ये वचन अपने सेवक मूसा के विषय में कहता है, जब उसके भाई हारून और उसकी बहन मरियम ने उस पर अभियोग लगाए कि प्रभु ये कहता है कि मैं अपने सेवक से आमने सामने बातें करता हूँ। प्रियजनों, प्रभु की सामर्थ्यवान जीवित उपस्थिति का अनुभव करें। वो मुझसे और आपसे आमने सामने बातें करता है। इस वक्त प्रभु आपको स्पर्श करे, रूह का दुगना मसा प्रदान करे, क्योंकि वचन हमें बताता है, अफेसियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 18, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें और सब बातों के लिए निरंतर विनती करते रहें। निरंतर आप लोग प्रार्थना करें, सब बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आइए हम प्रार्थना करें। करुणामाला विनती के दौरान प्रभु हमें स्पर्श करे, बीमारों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक को कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बचाए, हमें अपने जीवन में चंगाई और शांति प्रदान करें, हम विश्वास में बढ़ते जाएं। इन तमाम निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम विनती करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरिता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। जो हाथ उठा सकते हैं उठा लें, जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें,
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है कि वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। वे एक चित्त होकर, एक प्राण, एक मन होकर प्रार्थना करते थे। आप जितने भी लोग मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना करते हैं, मन से, आत्मा से एक हो जाइए और प्रभु दूर दराज से आपकी प्रार्थना को सुनता है। ये दोपहर का समय है जब प्रभु ने दुख सहन किया, वो जिंदगी और मौत के बीच में लटकते रहे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार के निवेदन करें। प्रभु कहता है, शिमोन शिमोन, तुमको शैतान को गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर रास्ते पर आ जाओगे तो तुम अपने भाइयों को संभालोगे। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए कि प्रभु हमारे परिवारों पर अपनी दया प्रदर्शित करें, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखें। आपका जवाब होगा, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवारों पर दया कर।
हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहीं जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा, बाहीं जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर 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 खड़ा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 26। प्रभु का वचन कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो मुझे और आपको पाप की गुलामी से बचा सकें। इसलिए जो प्रभु के मार्ग से दूर भटक गए हैं, अंधकार में हैं, अज्ञानता के वश में हैं, इस वक्त हम प्रार्थना करें और कहें, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हमको और सारी मानव जाति के पापों को क्षमा कर। चिथड़े उड़े कोड़ों से, बाल सजे कांटों से, चिथड़े उड़े कोड़ों से।
बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नोची हाथों से। आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मुंबा। बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। प्रभु का वचन योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी यह न कह पाएं कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 और उससे आगे हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है कि रो और चिल्लाओ, सुबह के पहले पहर उठकर अपने आंसुओं को नदी की तरह बहा दो, वो रुके नहीं। अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए जो गली की नुक्कड़ में मूर्छित पड़े हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना करो जिससे कि प्रभु आपके बच्चों पर दया करें, जिससे कि उन्हें जीवन में चंगाई मिले, शांति मिले। आपका जवाब होगा, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। दोनों हाथ उठाकर घुटना टेकते हुए घर के माता पिता इस वक्त अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करें, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए। हो सकता है वो आपका कहना ना मानते हों, हो सकता है वो आपके बताए मार्ग पर न चलते हों, प्रभु से प्रार्थना करना। हो सकता है वो निराश हों, हो सकता है उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी हो, प्रभु उन पर दया करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे बच्चों पर दया कर।
लहू उसका बदन, बख्शी उसी ने है सुख बन। लहू लहू उसका बदन, बख्शी उसी ने है सुख बन। उसी को दे तन और मन, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही बंबा, बाहीं जो फैलाए खड़ा। आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा, आजा तो क्यों दूर खड़ा। यर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, उस नगर की भलाई के लिए काम करो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। इस भेद में हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे सभी बीमार लोगों के लिए जो रोग शैया पर हैं, लकवे से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, असाध्य और लाइलाज बीमारियां, मानसिक रोगी जो बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, प्रभु इनके जीभ के बंधन खोलें, शरीर के बंधन खोलें। उन तमाम लोगों पर प्रभु का आशीर्वाद उतरे, वे प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करें, क्योंकि स्तोत्रकार कहता है, प्रभु रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु से कहना, प्यारे भाई प्यारी बहन, मुझे चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। स्तोत्रकार यह भी बताता है, 147 भजन संहिता 147 पद संख्या 3, प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। जी हाँ, सच है प्रभु, आप दुखियों को दिलासा देते हैं, निराश लोगों को आप आशा बंधाते हैं, जो घावों से भरे हुए हैं उनके घावों पर आप पट्टी बांधते हैं। इसलिए प्रियजनों, प्रभु पर श्रद्धा रखो, बुराई से दूर रहना, इससे वह तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नया जीवन प्रदान करेगा। इस वक्त हम प्रार्थना करने जा रहे हैं सभी रोगियों के लिए, पीड़ितों के लिए, दुखियों के लिए, कष्ट से पीड़ित और उदास लोगों के लिए। प्रभु आपको शांति और चंगाई प्रदान करे। आपका जवाब होगा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हमको और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख
भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सभी रोगियों पर दया कर। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। यीशु मुझे बचा लिया। आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मंबा। सांसों में ओ फैलाए खड़ा। आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा, आजा तू क्यों दूर खड़ा। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमेन। पवित्र हृदय के प्रति समर्पण विनती। हे प्रभु येसु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु येसु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु येसु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर येसु, हम अपने शरीर के अंग अंग को, जो कष्ट, पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं।
हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमेन। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हे पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय अर्दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमें क्षमा कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। सभी हाथ जोड़ लें, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष दें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दया दृष्टि डाल, जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है उस पर भी ध्यान देने की कृपा कर। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया की भीख मांगने वालों को क्षमा कर दे। इनके परिवारों, इनके आटा गूंदने की परात, चौकटों, बिछौनों, इनकी संतानों पर दया कर। इनमें आपसी प्रेम भाव बढ़ता जाए, विश्वास का वरदान इनके जीवन में दृढ़ होता जाए, इनकी संतानें तेरा आशीर्वाद प्राप्त करें, इनके दफ्तरों, खेत खलियानों में, कामकाज में उन्नति प्रदान कर। जो रोगी हैं उन्हें चंगा कर दे, जो निराश है उन्हें आशा दे का संचार कर दे। हे प्रभु जो मन से टूटे हुए हैं इन्हें आशीष दे। हे प्रभु आज जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में तेरी महिमा कर रहे हैं, दया की भीख मांग रहे हैं,
इनकी प्रार्थनाओं को सुन और उसे पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर के साथ एक होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। साष्टांग प्रणाम करें, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सुखी प्रभु आपको आशीष दे। संध्या 7 बजे पुनः आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।